आपके मोबाइल नंबर पर कई बार कंपनियों के पेमेंट जब बाकी रह जाते हैं तो आपके पास कई धमकी भरे कॉल आते होंगे, जिसमें आपको ये कहा जाता होगा कि अगर आपने अपने बिल का भुगतान नहीं किया तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी या आपके ऊपर थाने में शिकायत दर्ज की जाएगी। ऐसा ही मामला अजमेर के अंदर हुआ है और इस वक्त हम वोडाफोन अजमेर के स्टोर पे यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक मामला सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर जो पीड़ित हैं उन्होंने बिल की राशि नहीं भरी तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। इसके लिए जागरूक वकील और पत्रकार हमारे साथ हैं इस वक्त, उन्हें जब कॉल आया तो वो यहाँ के स्टोर आए और क्या पूरा मामला है उनसे ही समझ लेते हैं। क्या है ये पूरा मामला? आज मुझे दोपहर करीब 12 बजे के आसपास एक कॉल आई थी और जो कॉल करने वाले थे उन्होंने मुझे बताया कि मैं जोधपुर कोतवाली थाने से राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ और आपके खिलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मैंने उनसे जानना चाहा कि किस बाबत मुकदमा, आप मुझे उसकी थोड़ी तफसील बताएंगे, तो मैं, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मामला है नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि रवि आचार्य नामक वकील हैं वो यहाँ पर बैठे हैं जो कि जिन्होंने कि आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया है। तो मैंने उनसे बात कराने के लिए कहा रवि आचार्य से, रवि आचार्य ने मुझसे बात की, जो भी उनका सही नाम रवि आचार्य या हो सकता और कुछ हो, उन्होंने मुझे कहा कि आपके खिलाफ़ मुकदमा और आपकी गिरफ्तारी होगी, आपने बिल नहीं चुकाया वोडाफोन का। मैंने उनसे कहा कि अगर कोई रिकवरी का इस प्रकार का बिल होता है तो कंपनी बाकायदा फ़ोन करती है, कोई इश्यू नोटिस इश्यू होता है, आप फ़ोन करके क्या इस प्रकार से धमकाने का काम कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है, आपको इस प्रकार नहीं करना। और अगर आप वकील हैं तो बार काउंसिल का आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, अगर आप मुझे उपलब्ध कराएंगे तो मैं आपको इस बात का पूरा जवाब दे पाऊंगा। इस पर उन्होंने वो गाली गलौज पर उतरी है। उसके बाद मैं स्थानीय वोडा सेंटर से आया जहाँ से कि जिसका कि मैं कंज्यूमर हूँ, जहाँ से मुझे सिम जारी हुई थी, जिनके इनसे जब मैंने जानकारी की तो ये कोई भी संतोषजनक जवाब इनकी ओर से ही नहीं दिया गया कि जो व्यक्ति मुझे फ़ोन करके धमका रहा है वो इनका ऑथोराइज्ड पर्सन है, इनका रिकवरी एजेंट है, ये क्या है। सारी बात जो सामने निकल के आई है कि रिकवरी एजेंट के नाम पर जो है गुंडागर्दी से धोखा लोगों को धमका कर वसूली करवाई जाती है और जो कानूनी प्रोसेस है उसको कंपनी या ये अडॉप्ट नहीं करना चाहते कि उसके जरिए अगर किसी का कोई भी राशि बकाया है तो उसके लिए कानूनी प्रोसेस बना हुआ है। आप उसको नोटिस दीजिए, आप कोर्ट में रिकवरी का दावा पेश कीजिए या जो कोई भी आप है, वो विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना गुंडागर्दी से जो कर रहे हैं ये गलत है और उसके खिलाफ संबंधित थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा मेरी ओर से और इनके खिलाफ कार्रवाई की। हमारे साथ अधिवक्ता विवेक पाराशरण। विवेक, इस तरीके से जो कॉल आते हैं उन कॉल के ऊपर कानूनी राय आपकी ओर से क्या होती है? जो ग्राहक है, क्योंकि हज़ारों कॉल होते हैं अजमेर की अगर हम बात करें तो हज़ारों कॉल ऐसे आते हैं, उनको क्या सलाह है आपकी ओर से कि जब उनके पास इस तरीके के कॉल आएँ तो उनको क्या करना चाहिए? आम जनता को जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से, दिल्ली हाईकोर्ट के नाम से, पुलिस थानों के नाम से फर्जी कॉल कर कंपनी रिकवरी के लिए धमकाती है, उनके रिकवरी एजेंट धमकाते हैं, जब कंपनी के दफ्तर में लोग जाते हैं तो ये लोग कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते और एक दूसरे का फ़ोन नंबर देके टालमटोल की जाती है, वही अभी यहाँ की जा रही है। मैं खुद भी वोडाफोन का कस्टमर हूँ और ऐसे सारी कंपनियों की तरफ से लगभग किया जा रहा है जो भी मोबाइल कंपनियाँ हैं, और इन धमकियों के विरुद्ध आम जन जो है डर जाता है। डरने के बाद में उसको ये किसी एक दफ्तर में बुलाते हैं जिनके ज़्यादा बिल होते हैं और उनको वहाँ पर धमकाते हैं कि आपके खिलाफ़ ये FIR दर्ज हो गई है और ये CI साहब बैठे हुए हैं और ये हाईकोर्ट जज में मामला चल रहा है, फर्जी संबंध दिखाते हैं। इस तरह से डराने और धमकाने की जो कार्रवाई चलती है, आम जन को चाहिए कि इनके बहकावे में नहीं आवे, इनके डर और धमकी में नहीं आए। हाँ, मैं उपभोक्ता को भी ये कहूँगा यदि उनका रिजनेबल बिल यदि सही है तो वो जमा कराना चाहिए, परंतु कंपनी का दायित्व है कि वो उसको सीधे तौर पर एक फ़ोन करे, बोले आपका, आप हमारे डियर कस्टमर हैं और आपका इतना पैसा बाकी है, आप जमा करा दें। नहीं कराता है तो उसको एक लेटर डिमांड नोट जारी होगा, डिमांड नोट जारी नहीं करने के बाद में भी जमा नहीं कराता है तो विधिक प्रक्रिया, कंपनी के वकील होते हैं या लीगल एडवाइज़र होते हैं वो उन्हें विधिक नोटिस देते हैं, परंतु कोई भी कंपनी या कंपनी का प्रतिनिधि, कंपनी के वकील, उससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति टेलीफोन पर लोगों को डरा धमका कर इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता। आम जनता को चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ सीधी पुलिस में कार्रवाई करें। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि इन लोगों ने जो अपने नंबर जो कर रखे हैं, जिनको ट्रू कॉलर पर यदि आप भी देखेंगे तो वो पुलिस के नाम से सेव कर रखे हैं, मतलब पुलिस का नाम फर्जी उपयोग के अंदर ये दूसरे लोग ले रहे हैं। तो ये जिस तरह से पुलिस का नाम फर्जी तौर पर लिया जा रहा है तो पुलिस को भी बनता है कि वो खुद ही इनके खिलाफ़ कार्रवाई करे कि
कि ताकि राजस्थान की पुलिस, भारत की पुलिस, दिल्ली की पुलिस इस तरह से बदनाम नहीं हो और यही इस तरह कोर्टों के नाम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा आम जन से अनुरोध है कि इनके बहकावे में नहीं आवे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जो फर्जी नामों से डरा रहे धमका रहे। तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आगे से जब भी आपके नंबर पर अगर इस तरीके से कोई कॉल बिल की वसूली के लिए आता है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो विधि राय अभी हमने आपको विवेक पाराशर के जरिए बताई, ये आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद हम ऐसा करते हैं। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।